आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है, लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन गिवन बाय, प्लेन गिवन है हमारा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट टी प्लस पी आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस वन प्लस पी के कैप। अच्छा ठीक है, जहाँ पे टी और पी क्या है, हमारे रियल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एंड आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स जो के होते हैं अलोंग द थ्री पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, मतलब एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है। ठीक है, आगे इफ द पोजिशन वैक्टर क्यू एंड आर आर, ये हमारा क्यू है और ये हमारा सॉरी क्यू एंड एस, q गिवन है 10i plus 5j plus 20k cap और s है अल्फा i plus बीटा j plus गामा k respectively, then which of the following is true। अच्छा ठीक है, मतलब अल्फा बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें अल्फा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है और गामा वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तीनों वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद कौन सा ट्रू होगा वो हमें पता लग ही जाएगा अपने आप, ठीक है। जैसे कि हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो हमारा r वेक्टर है जो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन है क्लियरली विजिबल है, वो है माइनस का ब्रैकेट टी प्लस पी आई कैप प्लस में टी जे कैप प्लस में ब्रैकेट वन प्लस पी के कैप। अब यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये क्या है आपका आई कैप जे कैप और के कैप, तो यहां से मैं क्लियरली देख सकते हो जो एक्स है वो आपका माइनस t माइनस पी के बराबर है, जो y है वो t के बराबर है और जो z है वो 1 प्लस पी के बराबर है। तो ऐसे अगर हम इक्वेशन निकालें इसकी, देखो इक्वेशन निकाले, प्लेन की इक्वेशन निकाले, प्लेन की इक्वेशन ये है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप ही तो है, क्लियरली दिख भी रहा है हमको, और जहाँ पे p और q हमें क्लियरली गिवन है, वे रियल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू कितनी है t, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं x is equals to माइनस का y माइनस का p की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, p है आपका z माइनस वन, यहाँ से z माइनस का z प्लस का वन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी x प्लस y प्लस में z माइनस का वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये तो आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, ये क्लियर हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमें बोला गया है कि अगर ये है मेरा प्लेन, ये हमने बोला ये है मेरा प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे हमें बोला गया है रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से बोला गया है ये, ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला ये मेरा पॉइंट है, क्या है रिफ्लेक्शन है। अच्छा कौन सा क्या बोला गया है, देखो ये बोला गया है एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ क्यू, मतलब इमेज है, अगर मैं इसको बोलूँ एस पॉइंट तो एस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास क्यू, तो यहाँ से मैंने बोला क्यू तो एस, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है तो क्यू पॉइंट मेरे पास मेरे ख्याल से गिवन है, हाँ बिल्कुल वो है 10, 15, 20 और एस भी गिवन है जो कि अल्फा बीटा गामा है, पोजिशन वैक्टर गिवन है ना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता ही है रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है आपका, जो कि होता है x2 माइनस x1 अपॉन में a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन में c इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय ये होता है आपका a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस में d अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, हम बोल सकते हैं ये पता भी होना चाहिए, नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x1 क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा माइनस का 10 अपॉन में a, a कितना है ये आपका, देखो ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई, ये गिवन है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में डी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए तो वन है, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई वाई टू मतलब बीटा, बीटा माइनस का वाई वन, वाई वन कितना था हमारा 15, अच्छा ठीक है 15 अपॉन में वन इज इक्वल्स टू ऐसी गामा माइनस का 20 अपॉन में वन इज इक्वल्स टू माइनस का टू, ये ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा,
x1 है तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 10 प्लस में 15 प्लस में 20, x1 y1 z1 ये कितना है सारा आपका 1 1 है, ठीक है, ए एक्स वन ठीक है अपॉन में ऐसी डी डी हो जाएगा आपका, डी कितना है आपका, डी है माइनस, ठीक है, माइनस वन अपॉन में स्क्वायर रूट, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी तीनों हमारे पास 1 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये आ गया आपका इसके बराबर। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अब क्लियरली हम अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आसान हो जाए, इज इक्वल्स टू बीटा माइनस का 15 और इज इक्वल्स टू गामा माइनस का 20 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा, एक ये गया 14 और ये हो जाएगा 44 और ये 88, सीधे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 88 बाई 3, ठीक है, माइनस 88 बाई 3। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों फाइंड कर सकते हैं, है ना, क्लियरली पता लग जाएगा अल्फा बीटा गामा कितना है, यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा, निकाल सकते हैं अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस 88 बाई, ये हो जाएगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 58 बाई 3, बीटा आ जाएगा आपका माइनस 43 बाई 3, ठीक है, और जो गामा आ जाएगा वो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 88 में से 60 गया 28, है ना, माइनस 28 बाय 3, ठीक है, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा आ गया और गामा आ गया, ठीक है। मुझे क्या बताना था, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक बार अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, ठीक है, तीनों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमें वैल्यूज पहले निकालनी है अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या था बीटा प्लस गामा, और उसके बाद था गामा प्लस अल्फा, यही ऑर्डर था ना, और इनटू में 3 तो है ही, ये 3 मल्टीप्लाई में है ही, हमें वैल्यूज पता है, हमने सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, फिर देख लेना है कौन सा 2 है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 58 माइनस का 43, तो ये मेरे ख्याल से 101 101 बाई 3, तो ये आ गया मेरे पास 101, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट बीटा प्लस गामा, तो दोनों नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा 4 और 3 तो 7 और 7 और ये हो जाएगा 1 बाई 3, माइनस का साइन आएगा माइनस 71, ठीक है। ऐसे ही गामा प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा 3 गामा माइनस का 28 और माइनस का 88 और 6 और ये 5 और 7 और 8 86 बाई 3 माइनस का 86 बाई 3 जो कि माइनस का 86, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारे पास, लास्ट था 3 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, ठीक है। और ये क्या है, देखो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3, तो चलो ठीक है वो क्लियर है, माइनस का 58 और माइनस का 43 और ये है माइनस का 28, 101 101 में 209, ये आ गया मेरे पास 129, ठीक है, जो कि नेगेटिव का है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 129, अच्छा यहाँ से अगर आप देखो अल्फा प्लस बीटा 101 है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 101 है, बीटा प्लस गामा माइनस 71 है, ये भी ठीक है, माइनस 86 भी ठीक है, माइनस 71 86, जहाँ तक मेरा आइडिया है डी गलत है, 121 नहीं है 129, हाँ ये देखो 83 भी ठीक है, 83 नहीं 86, अच्छा हाँ देखो ये 86 ही है, देखो 86 ही है, ये बाय मिस्टेक लिखा हमने 86 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्लियरली गिवन है, यहाँ से हमें पता लग गया कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीन इसके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।